अस्सलाम वालेकुम सर, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों ने नीचे कमेंट लाजमी तौर पर करना है। लेट्स सपोज आप फर्ज करें कि आपको पाकिस्तान के अंदर FPR का जो चेयरमैन है वो बना दिया जाता है, तो आप PTA का टैक्स कितना रखते हैं iPhone 14 Pro Max के ऊपर। ये चीज़ तो क्लियर है कि हमें टैक्स रखने की ज़रूरत है ताकि हम लोग जो लोकल इंडस्ट्री उसको सपोर्ट कर सके। आप तो ये नहीं लिखना कि भाई टैक्स होना नहीं चाहिए, टैक्स होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। आप लोगों की नज़र में जो बेस्ट अमाउंट बनती है रीजनेबल वो कितनी बनती है एंड के ऊपर आप लोगों के साथ मैं अपनी ओपिनियन भी शेयर करता हूँ। लेकिन जो आज न्यूज़ ने वो काफी ज्यादा कमाल किया, तो आप लोग ने लाइक भी वीडियो को लाजमी तौर पर कर देना है। पिछले काफी दिनों से हम लोग टेक शो के अंदर डिफरेंट टाइप की जो अपडेट्स थे उनको कवर कर रहे थे। अभी रिसेंटली हम लोग ने एक अपडेट को कवर किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल ट्रेड यूनियन वगैरह उसके सदर वगैरह ने PTA के साथ मीटिंग वगैरह की थी टैक्स को लेकर कि इसको कम किया जाए। इसके अलावा भी काफी ज्यादा अपडेट्स आ रही थी और अब जो अपडेट आप लोगों को मैं देने वाला हूं ना वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फाइनली जो टैक्स है उसको कम कर दिया गया। अब इस अपडेट को कहीं पर ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा लिस्टें भी चल रही है। आप लोगों के पास अगर कोई लेटेस्ट सारे मॉडल्स पड़े हुए ना तो आप चेक करके बताइएगा, लेकिन मसला ये भी है कि इंस्टेंटली हम लोग चेक नहीं कर सकते। जो टैक्स का मैसेज आता है वो 2-3 दिन ले जाता है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज ये चीज कंफर्म कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर टैक्स जो है कम हो चुका है और लिस्टें भी चल रही हैं। अब यहां पर तकरीबन 10 से लेकर 20% तक जो PTA का टैक्स है ना उसके अंदर कमी की गई है, चाहे हम लोग लेटेस्ट आईफोन की बात करते हैं, चाहे हम लोग जितने भी इंपोर्टेड एंड्रॉइड के फोन या किट फोन वगैरह आते हैं उनके ऊपर 10 से 20% का जो टैक्स है वो कम किया गया है। अब जो सोशल मीडिया के ऊपर एक लिस्ट चल रही है जिसके अंदर आईफोन जो 14 सीरीज है उसके ऊपर टैक्स बताया जा रहा है, पासपोर्ट के ऊपर कितना था पहले और ID कार्ड के ऊपर कितना था, डिफरेंस कितना, तो आप लोगों के साथ जो कंप्लीट लिस्ट है मैं यहां पर शेयर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करते हैं PTA के टैक्स की पासपोर्ट के ऊपर, तो आईफोन 14 के ऊपर जो ओल्ड टैक्स था वो 1,34,825 रुपए था, अभी जो न्यू टैक्स है वो 1,25,751 है। तकरीबन 9,000 का आप लोगों को आईफोन 14 के टैक्स के अंदर डिफरेंस डिक्रीज देखने को मिलेगा। 14 प्लस की बात कर लेते हैं तो यहां पर आप लोगों को 14,000 से लेकर 15,000 का डिफरेंस मिलेगा। जो प्रो वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको 22,000 का डिफरेंस तकरीबन मिलेगा, जिसका पहले टैक्स 1,49,775 रुपए था, अब 1,27,000 है, तो आपको 22,775 रुपए का टैक्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं iPhone 14 Pro Max की पासपोर्ट के ऊपर पहले टैक्स की, तो वो तकरीबन 1,58,630 रुपए था और अब 127,068 का आपको तकरीबन 31,562 रुपए का डिफरेंस मिलेगा मैक्सिमम iPhone 14 Pro Max के ऊपर पासपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग CNIC मतलब कि ID कार्ड की बात कर लेते हैं, तो पहले iPhone 14 के ऊपर जो टैक्स था वो 1,60,958 रुपए का था, अब जो टैक्स था वो 1,31,126 रुपए का, जो डिफरेंस मिलता है वो 29,000 से लेकर 30,000 के दरमियान में मिल जाता है। जो 14 प्लस है उसके ऊपर जो पहले टैक्स था वो 1,67,283 था, अब 1,31,126 हो गया, वो इसके ऊपर तकरीबन 36,000 का आपको डिफरेंस मिलेगा, 36,000 का डिक्रीज आया। सीधा अगर हम लोग जंप मारते हैं iPhone 14 Pro Max के ऊपर जो के सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स था ID कार्ड के ऊपर 1,87,000 का, अब 152,000 हो चुका हुआ है, मैक्सिमम आपको 34,901 रुपए के टैक्स के अंदर डिक्रीज देखने को मिलेगा। अब इसी तरह जो पीछे वाले मॉडल हैं 13 सीरीज के ऊपर जो ओल्ड टैक्स था उसके अंदर भी तकरीबन इतना ही आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। ये चीज़ क्लियर नहीं है कि जो आईफोन 12 सीरीज है उसके ऊपर कितना आप 10 से 20% जो टैक्स है वो रिड्यूस कर सकते हो, अगर आप लोगों ने हिसाब वगैरह लगाना है। लेकिन अगर आपके पास फोन फिजिकली मौजूद है तो आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम लोग एंड्रॉइड की कैटेगरी की बात करते हैं सैमसंग की, वन प्लस की, गूगल पिक्सल्स की, तो उनके ऊपर भी तकरीबन जितना यहाँ पर डिफरेंस है ना इसी परसेंटेज के लिहाज से आप लोगों को डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ अगर मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ ना, तो पहली बात तो ये है कि मुझे पर्सनली तौर पर खुशी हुई है कि टैक्स कम किया गया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई चीज़ बढ़ती है उसका कम होना एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है, तो इस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम पॉइंट क्या ये वाली जो टैक्स की अमाउंट है क्या ये इतनी ज़्यादा रीजनेबल है कि हम लोग अप्रूव करवाएं, क्या आपको अप्रूव करवाना चाहिए? तो सॉरी टू से ये इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है कि हम किसी को रिकमेंड कर सकें कि भाई आप ऑफिशियली तौर पर टैक्स को अप्रूव करवा लें अपने फ़ोन को, इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए था। अगर हम लोग स्पीड स्पोर्ट की बात कर लेते हैं कि कितना टैक्स होना चाहिए, रीजनेबल अमाउंट कितनी बनती है, तो देखें पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को जो एक अच्छा फ़ोन मिलता है ना मिड रेंज का, वो तकरीबन मिलता है 60 से 70,000 की रेंज के अंदर। तो मुझे ये लगता है मेरी ओपिनियन के मुताबिक कि iPhone 14 Pro Max ना अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसको रजिस्टर करवा रहे हो CNIC के ऊपर, तो मैक्सिमम जो टैक्स होना चाहिए वो 60 से लेकर 80,000 की रेंज के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से वाला वेरियंट है, होना चाहिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब टैक्स की अमाउंट इससे ऊपर जाती है ना तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आउट कंट्रोल हो जाती हैं, लोग जुगाड़ ढूंढना शुरू कर देते हैं, लोग सेकेंडरी फोन बाय कर लेते हैं, JV फोन्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है अगर मैं होता चेयरमैन वगैरह PR का, तो मैं 60 से 70,000 के रेंज के अंदर रखता, इससे ऊपर मुझे लगता है कि कोई सेंस बनती नहीं है। एक और चीज यहां पर मैं ऐड कर दूं कि क्या आप लोगों को ये वाली टैक्स की अमाउंट पे करनी चाहिए, तो यार अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज
उस लिहाज से कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा लोगों के टैक्स पे करने के अंदर। जो टैक्स की अमाउंट कम की गई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो टैक्स ऑलरेडी लग रहा था वो इतना ज़्यादा ऊपर था कि ये जो कमी की गई है ये ज़्यादा कोई खास मैटर नहीं करेगी। अगर तो कमी होती ना कि 90,000 तक आ जाता टैक्स, 80,000 तक आ जाता, तो फिर लोगों को थोड़ी सी लाइक अट्रैक्शन होनी थी कि दो फ़ोन क्या कैरी करने, जुगाड़ क्या लगाना है, तो वो पे करने की तरफ थोड़ा सा उनका रुझान बढ़ सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास डिफरेंस पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि इनको फिक्स करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फोन 2 से 3 साल पहले आ चुके हैं मैंने उनके ऊपर भी लेटेस्ट मॉडल जितने ही टैक्स आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो प्राइस ग्लोबली चेंज होती है ना, एक फोन 3 साल पुराना है तो ऐसी बात है, अगर वो नया $700-800 का लॉन्च हुआ था तो अब वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $300-400 का मिल रहा, तो जो टैक्स होना चाहिए वो $300-400 के लिहाज से होना चाहिए, 700-800 जब वो 4 साल पहले आया था उस लिहाज से तो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा फिक्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप लोगों की क्या ओपिनियन है आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मैं होप कर सकता हूँ, दुआ कर सकता हूँ कि ये मज़ीद कम किया जाए ताकि एक्चुअल में कोई फ़ायदा भी होना कि जो इम्पोर्ट है उसको कम किया जा सके, और साथ में जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं बेचारी उनका भी कुछ करना चाहिए, मतलब कि वो तो बंद पड़ी हुई हैं, इनको आप लोगों ने थोड़ा सा फिर भी रिलीफ दे दिया हुआ। जो LCs मुझे लगता है ओपन होनी चाहिए ताकि जिस वजह से हम लोगों ने ये टैक्स लगाया था उसका हम लोग फ़ायदा तो ले सके। अब तो फैक्ट्रीज भी मौजूद हैं यार, बस आपने क्या करना है कि पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करनी है, कुछ सेंसिबल डिसीजंस लेने हैं ताकि इन्वेस्टमेंट जो की हुई है सैमसंग ने, रियलमी ने, रेडमी ने, शाओमी ने, इन्फिनिक्स ने, टेक्नो ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई हुई है, वो बेचारे बैठे हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट LCs को ओपन करें, हम लोग पार्ट्स को इम्पोर्ट करके जो हमारा बेसिक मकसद था पॉलिसी का टैक्स को लगाने का, हम वो फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, काफ़ी पुरानी थी, जब आपको मैंने डिटेक्ट शो के अंदर बताया था कि सैमसंग ने पाकिस्तान से अपने फोन्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो उस पीक को हम लोगों ने देखा। आजकल जो हालात चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने, खैर अपनी ओपिनियन लाजम तौर पर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो लिस्ट मेरे पास अपडेटेड आती है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ, क्योंकि अभी ये मसला भी हो गया होगा ना कि न्यूज़ काफ़ी आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हम लोग इंस्टेंटली चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास 2 फोन पड़े हुए हैं, सारे मॉडल्स नहीं है कि मैं एक्चुअल में चेक करूँ। जो टैक्स की अमाउंट आती है वो भी काफ़ी डिले हो जाती है, तो आप लोगों ने अभी रिसेंटली लेटेस्ट इस अपडेट के बाद टैक्स चेक किया तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर फोन मॉडल और उसका जो टैक्स है वो लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।